हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग को जहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना है वहाँ से हम लोग 11 किलोमीटर दूर है, और जहाँ पर हम लोग है इस एरिया का नाम है खेखड़ा। केकड़ा ही नाम है, खेखड़ा नाम है। तो हम लोग जब शुरू शुरू में सुने तो हम लोग को अजीब से लगा। तो यहाँ से हम लोग को यहाँ पर जाना है, यहाँ से लगभग मोर 11 से 13 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी बज रहे हैं 8:12 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि 8:30 या 9 यहाँ से हम लोग निकल लें। और जहाँ पर हम लोग को जाना है, जिस कॉलेज में हम लोग का सेंटर गया है, उसका नाम है श्री राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर प्राकृतिक नज़ारे काफ़ी अच्छे बढ़िया हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर इंडस्ट्री भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ भी हैं। लेकिन एक चीज़ है कि काफ़ी दूर दूर पर हैं। जैसे आपको मैं दिखा दूँ, जैसे देख लीजिए यहाँ पर कुछ भी बनता हो, यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर देख लीजिए है। और फिर यहाँ पर देख लीजिए, इससे दूर होगा एक, आपको दिखा दूँ मैं, वहाँ पर जो फैक्ट्री दिख रही है। तो लगभग जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 1 किलोमीटर यहाँ पर है तो दूसरी बिल्डिंग 1 किलोमीटर बाद घर है। और यहाँ पर जिस बिल्डिंग में हम लोग हैं, देखिए मैं यहाँ पर छत पर हूँ, छत देखिए काफ़ी बड़ा सा है, देख रहे हैं छत काफ़ी जो है कि बड़ा है। यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन सबसे जो बेकार यहाँ की सुविधा है वह है कि यहाँ पर शौचालय नहीं है। शौचालय एक है और यहाँ पर लगभग में बच्चे हैं 60-70 बच्चे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर फैसला ये लिए कि यहाँ पर हम लोग हट जाएंगे और कहीं पर दूर पर जाकर रूम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर शौचालय सबसे बड़ी समस्या है। बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ पर नेचर इन्वायरमेंट यहाँ पर सब ठीक है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ठीक गन्ना बोया गया है सब। और यहाँ पर गन्ना लगभग में हमें लगता है कि 3 से 4 खेत में गन्ना बोया गया है। तो जो फैक्ट्रियाँ 1 किलोमीटर के आस मतलब डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, बाकी सब आपको खेत दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है कि लोग खेती बाड़ी यही करते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गन्ने की खेती हो गई, और इधर मुझे ज़्यादातर गन्ने की खेती दिख रही है। और हम लोग यहाँ गन्ने की खेती उतनी नहीं होती, पहले होती थी, लेकिन हम लोग के यहाँ अब ज़्यादातर जो खेती होती है वो होती है गेहूँ की होती है और धान की। तो मैं अपने आप को मित्र से मिलाता हूँ, जो हमको शाम को वहाँ पर मिले थे रिसीव करने के लिए, उनसे मैं मिलाता हूँ। इसके बाद अब हम लोग आपको थोड़ा सा आसपास की जो भी यहाँ की चीज़ें हैं उसे आपको थोड़ा सा घुमाएंगे टहराएंगे, इसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए अपने मित्र से हम आपको मिलाते हैं। वह देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये चल रहे हैं, ये है जो हमारे साथ है, वहाँ पर हमको रिसीव करने के लिए गए थे। तो धीरे धीरे देखो देख रहे हैं, ये भी साथ में है। और साथ में देखिए एक ये है धीरज हो गए, और मैं हूँ, एक और एक लोग दो लोग और हैं साथ में। तो टोटल हम लोग 5 लोग हैं, एक लोग का दूसरा सेंटर गया है, 2 लोग वहाँ पर चले गए हैं, 3 लोग हम लोग यहाँ पर हैं। तो अब हम लोग यहाँ से फिलहाल नीचे चलते हैं, इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं। देखिए ये वाला जो हम लोग आए हैं, एक छत वाला, और अब हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा जो रूम है वो दिखा दूँ। रूम तो काफ़ी बढ़िया हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन वही शौचालय की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि शौचालय कुछ रूम कुछ इस टाइप से बड़े बड़े हाल हैं। और अब मैं इस सीढ़ी से यहाँ से नीचे उतरता हूँ। तो गाइस, हम लोग बाहर आ गए हैं, अब बाहर देखते हैं कुछ इस टाइप से नज़ारे आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पर ये शायद पहले काल स्कूल उस्कूल हुआ करता था, सर जो यहाँ पर हम लोग के लेकर आए हैं वो बता रहे थे। और यहाँ पर जो नहाने की व्यवस्था है, वहाँ पर लोग नहा रहे हैं। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है हमको काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पर ये सब पेड़ वगैरह लगाए गए हैं, जो काफ़ी इस चीज़ को और बढ़िया बना दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए खेलने के लिए मैदान आपको लगता है लग रहा है। और आगे हम चलते हैं तो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो है कि काफ़ी लोग जो है कि पेपर देने के सिलसिले में आए हैं,
तो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो भी पेपर ही वाले थे, और यहाँ पर देख रहे हैं जो आपको प्राकृतिक नज़ारे दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे हम टू विलेज में देखने को मिलते हैं। सूरज हम लोग एकदम बाहर आ गए हैं, और यहाँ से हाईवे आपको दिख रहा होगा, हाईवे आपको दिख रहा है ना, वो इस साइड वो देख रही गाड़ी वाड़ी आपको दिख रही होंगी जो आ जा रही हैं। आगे जो है आपको वहाँ पर कहाँ गया ये, इस साइड आपको हाईवे दिख जाएगा। अभी हम लोग वहाँ पर चलेंगे, तो इधर कुछ मैं आपको आसपास चीज़ें दिखा दूँ। जैसे वहाँ पर देखिए एक बिल्डिंग वहाँ पर है, अब फिर देखिए एक बिल्डिंग यहाँ पर है। हालांकि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है कि हॉस्टल या फिर कॉलेज वगैरह हैं, तो इंडस्ट्री वाले नहीं है सब, इसलिए पास पास में है। जो भी इंडस्ट्रियल वाली चीज़ होती है मैंने देखा कि वो दूर दूर प्राप्त की है। तो बाकी मैं आपको जो भी यहाँ की आसपास चीज़ें मैं दिखाने की प्रयास करता हूँ। ये बिल्डिंग तो मैंने आपको दिखाई दिया था, और बाकी वहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे ट्रक हमको दिख रहे हैं। आपको थोड़ा सा मैं जूम कर दिखा दूँ, आप देख रहे हैं कि नहीं, काफ़ी सारे ट्रक हैं वहाँ पर खड़ी, बहुत सारे ट्रक हैं वहाँ पर। हम लोग गए भी नहीं क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये हम लोग का मेन गेट है, यहीं से हम लोग एंट्री करते हैं, और वो जो बड़ा सा दिख रहा है अंदर मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया से। तो दिख रहे हैं जो सामने आपको दिख रहा है उसी में हम लोग रह रहे हैं, आज रहेंगे, इसके बाद कल हम लोग